अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30 का और मिट्ठू जो है ना दोनों भूखे हैं, इनको कुछ डाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस टाइम तरबूज डालता हूँ इनको। हाँ जी, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोगों की आवाज़ें क्यों निकल रही हैं? हाँ मिट्ठू, क्या हुआ? भूख लगी हुई है? ठहरो भाई, फिर सब्र करो, पहले ये खोल लें। अच्छा, मुझे पता चल गया। अच्छा है, सबर नहीं होता। अच्छा अंदर ही। ये लो, आराम से खाओ। चलो तुम भी नीचे आ जाओ। हाय बंद है यार, ये दोनों बेचारे भूखे थे तो इफ्तारी करके मैंने फिर सोचा कि चलो इनको खाने के लिए कुछ दे देते हैं। इस टाइम ये बेचारे भी देख रहे हैं कि हमें भी कुछ खाने के लिए दे दे, लेकिन इनको अभी नहीं देना, इनको सुबह खाने के लिए देंगे। पकड़ाओ मुझे, दे दो दे दो। चलो दो मुझे, दे दो दे दो, मुझे पकड़ा दो ना। सही नहीं है, अच्छी नहीं है, मुझे दे दो दे दो, मुझे अच्छी नहीं है, दे दो 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 दे दो। मिल गई 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 मिल गई, मुझे दे दो दो। नहीं देनी नहीं देनी, वो कौन आया? वो कहाँ से आया? क्या लेके आया? तरबूज लेके आया। वो कहाँ से आया? क्या लेके आया? से पूछो क्या लेके आए हो, क्या लेके आया? ये है जी हमारा कॉकटेल का केज। आज कॉकटेल के अंडे चेक करते हैं, काफ़ी दिन हो गए अंडे दिए लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई अंडों से ना, कोई बच्चे नहीं निकलने की आवाज़ आई। और पानी भी इनका ख़त्म हुआ है, ये सामने ये इनकी प्याली पड़ी हुई है, पानी भी इनका नहीं आया। खोल के इसको पानी अब डालते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी ख़त्म हुआ है अभी ये इसको। अरे भाई आराम से, इधर ना आना, उड़ते फिरते हो, इधर ना आना। अभी ध्यान से मुझे इनकी जो पानी वाली प्याली है वो पकड़नी पड़ेगी। चलो अभी पकड़ के इनको पानी डालते हैं। भाई इधर ना आना यार, उड़ ना जाना। चलो अब प्याली इनकी पकड़ ली है, अब डालते हैं पानी। अभी इसका करते हैं दरवाज़ा बंद, तो डालते हैं इसमें पानी। ये देखें कैसे बोल भी खुश्क हुआ है, इसको पहले साफ़ कर लेते हैं फिर इसमें डालते हैं पानी। तो पानी डालने के बाद इसको रखते हैं अंदर और फिर चेक करेंगे इसके कॉकटेल के अंडे, क्योंकि रात का टाइम है और रोशनी भी कम है, तो इसलिए मैंने जो है ना चेक कर किया इस टाइम कि ये सारे मेल फीमेल जो है ना बॉक्स से बाहर ही हैं, तो अब चेक करने में आसानी भी हो जाएगी अंडे। अभी रख देते हैं पानी आराम से ताकि ये इधर ना आ जाएं। तो दरवाज़ा करते हैं बंद, ये तार के साथ मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, ताला नहीं लगाता, इधर कोई आता जाता नहीं ना इसलिए। तो अभी ये कपड़ा पीछे करते हैं, और ये दो बॉक्स मैंने लगाए थे, पहला बॉक्स जो है ये तो खाली है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, तो दूसरा बॉक्स चेक करेंगे उसमें तो अंडे हैं। और ये प्लास्टिक मैंने सर्दियाँ स्टार्ट होते ही लगाया था, ये ख़राब हो चुका है, अब सर्दियाँ जब दोबारा आएँगी तो फिर नया प्लास्टिक लगाएंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको पीछे करके चेक करते हैं अंडे इस बॉक्स में है, और इस बॉक्स को खोल के देखते हैं। ये देखें ये तीन अंडे पड़े हुए हैं, तो एक तो मुझे लग रहा ख़राब है क्योंकि ये 20-25 दिन हो गए इसको अंडे को। तो दो जो अंडे हैं इनको चेक करेंगे कि ये ठीक हैं कि नहीं हैं। ठीक है, इसको करते हैं बंद, और बंद करने के बाद इन अंडों को रखते हैं एक प्याली में
ये पड़ी हुई है प्याली, तो इसमें रखने के बाद अब अंडे चेक करते हैं। इधर लाइट थोड़ी सी कम है, लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो मोबाइल की लाइट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी इसका अंडा चेक करते हैं, ये वाला ये ख़राब हो चुका है अंडा इसका, और ये देखें अब तोड़ के देखते हैं। देखें ये मतलब 5-6 दिन का बच्चा था जो अंदर ही मर चुका है, बन रहा था अभी, तो अंडा इसका सारा ख़राब हो चुका है। अभी देखता हूँ मैं, नीचे से चेक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये सारा खुश्क हो चुका हुआ है, मतलब ये सारा ख़राब हो चुका है, गर्मी की वजह से अंडा ख़राब हो चुका है। ये दो अंडे जो है ना, ये मतलब 3-4 दिन हुए हैं इसने दिए, ये दोनों अभी रखेंगे वापस, क्योंकि इनको फिर 5-6 दिन बाद चेक करेंगे। अभी इनको रख देते हैं वापस बॉक्स के अंदर, तो इनको फिर दोबारा चेक करेंगे, ईद के बाद चेक करेंगे, मतलब 5-6 दिन बाद चेक करेंगे इनको। अभी इसका दरवाज़ा करते हैं बंद आराम से, ठीक है। तो ये देखें, ये दो अंडे हैं, अभी इसका दरवाज़ा कर देते हैं भाई बंद, ताकि जो है ना वो अगर इधर आए कोकटल तो वो बाहर ना आ सकें।